बीजेपी बीजेपी के नेता पहले अपने जो नेता हैं उनके बारे में सोच लें कि वो सीपी सिंह जी को बनाना चाहते हैं कि बाबूलाल जी को बनाना चाहते हैं, उनके पास ये गंभीर मसले अपने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज एक प्रमुख मुद्दा यूपीए विधायक दल की बैठक रही, जिसमें कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे वहां पर पहुंची हुई थी और प्रभावी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बीजेपी के लोगों पर निशाना साधा है, बीजेपी के विधायकों पर सवाल उठाए हैं। सुनिए उन्होंने किस तरीके से बीजेपी के विधायकों पर सवाल उठाया है। सी है नहीं जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन विरोधी हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं इस पर जो है कुछ लाइन मुख्यमंत्री जी ने कहा तो वो सबके सामने है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से छुपा हुआ है। तो वो उन बातों पर हल्की फुल्की चर्चा के बाद जो मसले थे राज्य के कांग्रेस के विधायक जैसे संकट में है उस पर किसी तरह का चर्चा हुआ? ये कांग्रेस के पार्टी के अंदर बात करने की, महागठबंधन का विधायक मल्लिका जी जैसा आपने अभी कहा कि हल्की फुल्की चर्चा है, तो क्या मुख्यमंत्री के नामों की भी चर्चा हुई उस हल्के फुल्के में? मुख्यमंत्री में बदलाव की बात कहाँ से आप लोग ला रहे हैं? ये मुझे लगता है बीजेपी का जो एजेंडा या बीजेपी के जो सवाल हैं वो ज़बरदस्ती हम लोगों को मेमो डालने का काम ना करे, इतनी समझदारी हम लोगों को है। तो पहले बीजेपी ये तय कर ले कि आखिर विधायक दल नेता कौन होगा, सीपी सिंह या फिर बाबूलाल मरांडी, जिसको लेकर के यहाँ पर दीपिका पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने उसके बाद कहा है कि इन सारी चीज़ों पर पहले बीजेपी ध्यान दे, उसके बाद हमारे ऊपर सवाल उठाए कि आखिर हम लोग मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलना चाहते हैं या फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करने आए थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये यूपीए की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण बन गई। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।